Hello everyone. So today we talk about the most basic thing in mathematics to which everything reduces to, that is solving equations. Okay. So our primary motive will be to solve linear equations. Linear equation means equations which have power 1. So they have power 1. Okay. And सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल कंसिडर करते हैं. तो आई विल टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट टेक्निक यू कैन यूज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस. बट बिफोर वी डू दैट, उससे पहले हम लोग को कुछ कंक्लूजन, वी हैव टू मेक अ फ्यू कंक्लूजन्स. दीज आर द कंक्लूजन्स एंड आई विल टेक टू एग्जाम्पल्स टू रीच एट दोस कंक्लूजन. ओके, सो लेट अस कंसिडर द टू इक्वेशंस विच इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. द मोस्ट बेसिक इक्वेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म. नाउ लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2. ओके, let this denote equation 1 and 2 denote equation 2. So equation 1 remains the same, but in equation 2 we make a modification. एक चेंज करते हैं कि 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं. और ये हम कर सकते हैं, equations 2 3 4 equations add subtract divide add subtract हम लोग कर सकते हैं, divide पे नहीं जाएंगे. So अगर 1 को 2 पे add करेंगे तो simply ये हम लोग को पता है कि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और y माइनस वाई 0 हो जाएगा. तो वील गेट अ वैल्यू ऑफ x विच इज 4 एंड अ वैल्यू ऑफ y विच इज 2 एंड दिस इज वेरी सिंपल. तो ये एकदम बेसिक है. तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ. अब दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं. तो ये एक दूसरा लीनियर इक्वेशन है. लीनियर क्यों? क्योंकि दोनों के पावर 1 है, x टू द पावर 1, y टू द पावर 1. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस. तो लीनियर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या है, देखो पहले इक्वेशन को हमने मान लिया, इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और दूसरे इक्वेशन को 2 मान लिया और ये है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. तो इसमें भी हम सेम फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहे, लेट द फर्स्ट इक्वेशन बी सेम. सो 1 इज सेम और 2 में हमने चेंज किया इस बार कि 1 माइनस 2 क्या, जिससे मैंने पहले बोला जस्ट एज आई सेड बिफोर दैट वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट एनी इक्वेशन. और नॉट ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय एनी नंबर एंड देन एड एंड सब्ट्रैक्ट. ओके, मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर. So this time what we get is that we do 1 minus 2. So this equation reduces. ये reduce हो जाता है क्योंकि 3 है यहाँ पे भी, 3 है यहाँ पे भी, cancels out. So we get minus y is equal to minus 3, y is equal to 3 and x is equal to 2. तो ये solving हमारा this point of discussion नहीं है. इससे जो conclusion draw होता है, that is our point of discussion. So what is our point of discussion is that, what is the main focus that actually we require to solve the equations? ठीक है, व्हाट इज आवर मेन फोकस. नाउ लेट अस सी अ फ्यू बेसिक थिंग्स. फर्स्ट एंड फर्स्ट पॉइंट दैट हियर एक्स एंड वाई डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द सोल्यूशन. एक्चुअली देयर वैल्यूज आर द सोल्यूशन, दे डू नॉट इंडिकेट एनीथिंग. अब एक चीज देखो, अगर मैं एक्स और वाई की जगह, एक्स और वाई हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन यूज होता है क्योंकि प्लॉटिंग में हम लोग हमेशा एक्स एंड वाई यूज करते हैं, इसलिए कॉमनली एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को. लेकिन अगर इसको मैं जेड और टी कर दूं, इफ आई मेक दिस जेड एंड इफ आई मेक दिस टी, और इसी तरह मैं पूरी सोल्यूशन को करूं, यही जो मैंने किया है वही मैं करता जाऊं, तो आई विल गेट टी जेड टी जेड टू जेड प्लस 0. तो जेड इज इक्वल टू आई गेट 4 एंड टी इज इक्वल टू आई गेट 2. और ये जो सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो वेरिएबल एक्स वाई जेड टी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो किस पे फर्क पड़ता है हमारा सोल्यूशन, वॉट इज आवर सोल्यूशन डिपेंड ऑन. तो जैसे कि मैंने बोला, वेरिएबल पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. वेरिएबल तुम कुछ भी ले लो, C1 C2 भी ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो व्हाट डज आवर सॉल्यूशन एक्चुअली डिपेंड अपॉन इज इनडीड द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट मतलब z के आगे क्या है, t के आगे क्या है, और यहां पे भी z के आगे क्या है, t के आगे क्या है, ये डिसाइड करता है हमारा सोल्यूशन क्या होगा. कैसे? देखो पहले एग्जाम्पल में कोफिशियंट हमारे हैं 1 1 और ये है 1 टी का माइनस 1. ठीक है, और यहां पे देखो यहां पे हमारे कोफिशियंट है 3 2 3 3. ठीक है, यहां पे 1 1 1 माइनस 1 होने पे हमारा सोल्यूशन आया 4 2, यहां पे 3 2 3 3 आने पे हमारा सोल्यूशन आया 3 2, यहां पे 4 2, यहां पे 3 2. सो वी कैन से दैट चेंजिंग द कोफिशियंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल, सिर्फ यहां पे जेड और टी है, यहां पे एक्स और वाई है. हम लोग अगर एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू कितना भी इक्वेशन ले लें,
तो हमारे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा, जो एक्स और वाई के आगे जो नंबर्स रहते हैं उन पे डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो दैट्स व्हाई वी कम अप टू आवर कंक्लूजन दैट एक्स एंड वाई आर अननोन्स, दे डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द सॉल्यूशन व्हाटसोएवर। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट जो मैंने प्रूव किया था बाय एग्जांपल, और ये दूसरा पॉइंट विच इज द मेन पॉइंट इज दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, एक्स एंड वाई की जगह जेड एंड टी भी बोल सकते हो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई वेरिएबल डिसाइड द सॉल्यूशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू मार्क। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज को अगर हम जब सॉल्व करने जाते हैं तो वी ट्राई टू रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जितना सिंपल रहेगा उतना सोल्यूशन फाइंड करना इजी होगा। अभी सिर्फ यहाँ पे x और y थे, यहाँ पे z और t, यहाँ पे x और y है। अगर मैं यहीं पे 10 वेरिएबल ठोक दूं, ठीक है, x y z t w p q r s, तब क्या होगा? तो तुम p q r s z t w में ही कंफ्यूज रहोगे, यू विल गेट कंफ्यूज। सो आई वॉन्ट टू मेक इट मोर सिंपल, सो वॉट आई मेक एन ऑब्जर्वेशन हियर, सी द ऑब्जर्वेशन कि the coefficient of z in the first variable is adds and subtracts to the coefficient of z in second variable. z का ही coefficient z के साथ add होगा, t का ही coefficient t के साथ add होगा। ये एकदम basic algebra है क्योंकि z plus 2z ही 3z होगा और z plus 2t 3z नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि same वेरिएबल्स के पावर सेम वेरिएबल के कोफिशियंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर देर वॉज अ पॉसिबिलिटी, इफ देर वॉज समथिंग वी हैड, कोई ऐसा चीज अगर होता जिससे हम जेड टी को हटा देते और सिर्फ इनके कोफिशियंट के साथ काम करके हम अपना सोल्यूशन अगर निकाल पाते, सो दिस वुड हैव बीन अ लॉट मोर सिंपलर। ठीक है, एंड हाउ डू वी डू दिस, आई टॉक अबाउट दैट। सो एज वी टॉक अबाउट दिस अर्लियर, पहले जैसे हमने बात किया कि एक्स का कोफिशियंट x के साथ ही दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशियंट के साथ एड और सब्ट्रैक्ट होगा और y का कोफिशियंट दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशियंट के साथ एड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, जहां पे सिर्फ कोफिशियंट हम लोगों को रिक्वायर्ड हो, जहां पे सिर्फ हम कोफिशियंट पुट करें और उन लोगों की जो पोजिशन हो वो फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मतलब है कि x का कोफिशियंट सिर्फ x के साथ इंटरेक्ट कर सके, y का कोफिशियंट सिर्फ y के साथ इंटरेक्ट कर सके और कांस्टेंट टर्म जो है वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो एक ऐसा फिक्स्ड अरेंजमेंट हमने क्रिएट किया और देखो जैसे x, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 6, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो एकदम वी हैव क्रिएटेड एन अरेंजमेंट दैट वुड हेल्प अस सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो जैसे ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है, आई टॉक अबाउट दिस, आई मेक इट मोर क्लियर। सो ये जो अरेंजमेंट है, व्हाट वी डू इन दिस इज दैट वी एड द फर्स्ट दिस रो टू द सेकंड वन। जैसे हमने यहां पे किया था, पहले देखो वन स्टेज द सेम, टू में वन प्लस टू, तो वन स्टेज द सेम एंड हियर दिस इज द सेकंड इक्वेशन, तो एडिंग वन टू टू, तो वन स्टेज द सेम और टू में हमने वन को एड कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, टू में अगर वन को एड करेंगे तो वन प्लस वन टू, वन माइनस वन जीरो और सिक्स प्लस टू एट, तो हमारा सेम इक्वेशन 2x प्लस जीरो, 2x प्लस जीरो इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, तो वी आर गेटिंग द सेम थिंग। नाउ दिस माइट नॉट सीम अमेजिंग राइट नाउ, बट इट विल व्हेन आई एक्सप्लेन इट विथ वेरिएबल्स, विथ इक्वेशंस दैट हैव वेरिएबल्स अप टू 4 और 3, देन दिस विल एक्चुअली मेक द प्रॉब्लम अ लॉट मोर इजियर। तो ऐसे लिखना इज एक्चुअली बचकाना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग को पता है कि पहला वाला जो भी, ये पहला जो भी कोफिशियंट है स्ट्रेट लाइन में, ये x का ही होगा, दिस इज कॉमन बिकॉज वी ऑलवेज राइट x इन द बिगनिंग, और जो सेकेंड वाला कॉलम होगा उसमें हमेशा y का भी होगा, ये भी एकदम नोन है, तो इसको भी हम नहीं लिखते हैं। और क्योंकि x और y के बाद कॉन्स्टेंट ही आएगा, लेकिन तुम ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ z भी हो सकता है, अगर हमें ये ना दिया हो, अगर हमें सिर्फ ये दिया हो, तो यू कैन से दैट if this is not written it is a constant, then how can we say it could be 1x plus 1y plus 6z, right? So to distinguish we create a line like this. And now what we do in higher mathematics,
You don't need to worry if I say higher mathematics, but we do not write these terms. We just create a block right here. And this is called a matrix. Matrix is very important because it preserves the order of elements. Preserving the order of elements actually simplifies the problem because we do not have to write x and y from now on. So this reduces the problem to a great extent. Now this might not seem very convenient or very amazing or very implementable right now, but when I talk about three variables, this will actually come to our help. So now when we add 1 and 2, so we get this one, this arrangement, but again we don't write it like this. We create a box and we draw a line when constants come into play. So now this becomes, now this can be written as, now if you have this arrangement, then you can write it that this row corresponds to 1 corresponds to x plus y is equal to 6 and 2x plus 0 is equal to 8. So you can solve this problem now. Now the whole point of me explaining all of this is that you do not need to know what a matrix is. You do not need to know how we add, subtract, or how we do anything in a matrix. You just need to know that this is called a matrix. It preserves the order of the coefficients of equations, and it helps us solve problems. Now what you need to know is how do we operate between the coefficients in a matrix. So how do we operate between coefficients in a matrix? The same way we operate between two equations. We can add two equations. Okay, so I'll write down what we can do in a matrix. Now the operations you can actually do on a matrix between the elements, between the rows, is very similar to the ones that you did, that we did with the equations. इस matrix में operate करने के लिए, solution find करने के लिए, जो हम लोगों को operations चाहिए, वो एकदम same है जो हमने equations के साथ किया या फिर जो हम equations के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या-क्या operations हैं जो हम लोगों को required है? पहला तो है कि दो row को हम लोग add कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, adding 1 to 2, तो add करेंगे तो reduce हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा है कि multiply by numbers. तुम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जैसे किसी भी इक्वेशन को, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, वी कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, सो दिस बिकम्स 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ऐसे इक्वेशन चेंज कर सकते हैं ना हम मल्टीप्लाई करके. तो वैसे ही हम यहां पे भी कर सकते हैं कि एडिंग 1 टू 2 जैसे किया, इसको अगर हम हटा के लिखें मल्टीप्लाइंग 2 रो 2 बाय 2, तो फिर हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसे चेंज होगा. पहला रो एकदम सेम रहेगा, पहले रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया. दूसरा रो बन जाएगा 2 माइनस 2 और 2 टू जा 4, ठीक है? तो ये दोनों हो गया, एड टू रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, और तीसरा जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? कि किसी भी रो को किसी भी मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एड कर सकते हो. That you can do similar way, you can do it in a equation also. You can multiply this equation by any number and then you can add it. Right? You can do it. We have been doing it. So, yahan pe jaise multiply 2 by 2 and multiply 1 by minus 2. Theek hai? Aur uska multiply row 2 by 2, multiply row 1 by minus 2. To row 1 ko minus 2 se multiply karenge to minus 2. माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12, और यहां पे ये हो जाएगा 2 माइनस 2 4, ठीक है? अब हम कर सकते हैं ऐड 1 2 2, तो 1 को 2 में ऐड कर रहे हैं, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 12, और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा क्योंकि इक्वेशन वही है, हम खाली उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8. तो ये फिर रिड्यूस हो जाएगा -4x is equal to -8, ये वाला रो, और ये वाला रो जो होगा ये रिड्यूस होगा -2x, क्योंकि ये पहला कॉलम है तो x के करस्पोंडिंग, ये -2, ये रो y के करस्पोंडिंग, और ये हमारा कांस्टेंट है जो कि लाइन से सेपरेटेड है -12, ठीक है?
तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा वही वही सोल्यूशन आएगा जो पहले आया था, वो है कि x इज इक्वल टू अच्छा सॉरी यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, तो इसको सॉल्व करने से हमें वही सोल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू 2, और इसमें अगर y 2 पुट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट वेयर आवर यूज ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ हेल्प। तो यहां पे हमारे पास है तीन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और इन तीनों इक्वेशंस को पहले इक्वेशन को मैंने 1 से मार्क किया, दूसरे इक्वेशन को 2 से, और तीसरे इक्वेशन को 3 से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर हम उसी पहले जैसे मैंने डिस्कस किया था, like I discussed a few minutes before, the same way we are going to put this in a matrix form. Okay, so how do we do this? This is the coefficient of x in a column, so we put it in the first column, 1, then 2, then 3. We do this, do the same thing with y, do the same thing with z. Now to distinguish the constants from variables, we draw a line and then we write the constants. So this line distinguishes the variables x, y, z from the constants. Okay. So this is going to preserve our order because this row is going to correspond to x, y, this column is going to correspond to x, this column is going to correspond to x, this column is going to correspond to y, and this column is going to correspond to z. So this is going to preserve our order and we do not write this. This is self understood. You have to keep this in mind, right? Because the whole point of using this is to eliminate the use of variables. So this is our resulting matrix. So what we do is that we multiply, we discuss the three operations. We are going to use those three operations. So we multiply the first row with, an integer that will help us reduce. That reduce means to create zeros. Okay. तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली में कुछ वेरिएबल्स के कॉलम्स में जीरो लाना है। जीरो लाने से क्या क्या होगा, जैसे पहले मैंने सॉल्व किया था, जीरो लाने से वो टर्म और रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हें एक्स और वाई के वैल्यूज मिलने लगेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। तो इसको देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर तुम इसको -2 से मल्टीप्लाई करके एड करोगे तो ये नलीफाई हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर -3 से इसको 1 को मल्टीप्लाई करके इस रो को एड करोगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा। तो यही सोच के मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय -2 एंड एड टू 2। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -2 -2 -12। अब -2 -2 -2 -12 ये मैंने अपने रेफरेंस के लिखा है, यू कैन राइट दिस डाउन फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो। सो -2 व्हेन यू एड टू दिस सेकेंड रो यू गेट 0, व्हेन यू एड हेयर यू गेट -3, एंड व्हेन यू एड हेयर यू गेट 0 अगेन, एंड हेयर यू गेट -12 + 6 -6। ओके, यू डू द सेम थिंग फॉर थर्ड रो, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय -3 एंड एड टू थर्ड रो। ओके, सो दिस विल रिड्यूस द थर्ड रो इन दिस फॉर्म, सो वी आर गेटिंग जीरोस हेयर एंड हेयर, सो दैट मीन्स दिस रो, द सेकेंड रो विल गिव अस द वैल्यू फॉर वाई, बिकॉज एक्स हैज बीन eliminated here and y has been eliminated due to the zero factors. Now, so this gives us -3, the second row gives us -3y is equal to -6, so this implies y is equal to 2, right? Now the third column, we can put the value of y is equal to 2 in the third column, because it is an equation in y and z as the x part is 0, right? So what will be our third, what will our third row give us? It is 0x, so x we do not write, -4y - 9z is equal to 7, right? This is what our equation reduces to. We put the value y is equal to 2, so this becomes y is equal to 2 implies -8 - 9z is equal to 7. This implies -9z is equal to 15.
this implies z is equal to 15 minus 15 by 9 is equal to 3 plus 15, then it is a 9, 5 by 3. So you get the value of z. Now you go about it again and you put the value of z and y in this equation. And corresponding to row 1, you will get the equation. Corresponding to row 1, you will get the equation 1x plus 1y plus 1z is equal to 6. Put the value of y and z, you will get the value of x. So this is why use of matrices reduces your problem, as you do not have to write about, you do not have to write the variables, right? And we will discuss about this a lot more in the coming classes, and we will get to know how using the matrices we can solve the very well known relation that we have studied. Okay, if you are in class 9, then you would have studied that the linear equation in two variables have a solution if and only if a by a dash is not equal to b by b dash, and it has infinitely many solutions if a by a dash is equal to b by b dash is equal to c by c dash, right? So this is a very well known relation for equation of two variables. So we will prove how this form is coming from the use of matrices. Okay. So we'll do it in the next video. Thank you.